वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी गाइज? हम सभी बहुत अच्छे हैं एंड हम सभी रेडी हुए हैं गाइज रात के सेलिब्रेशन के लिए जो कि होने वाला है बहुत ही प्यारा। घर में अभी से भी सभी 10:30 भी नहीं हुए हैं एंड बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं बिकॉज गाइज हमारी गली में ना मीन्स नोना को मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइज थोड़ी सी स्टोरी है। ऐसे इतने सारा टाइम हो जाता है तो हर किसी की अटैचमेंट एक डिफरेंट लेवल की होती है। तो मीन्स गाइज नोना को 2 साल की नोना हो गई। 2 साल नोना ने 2 साल में कितनी मेमोरीज होती हैं जो इंसान ने अपने अंदर कैप्चर की होती है या दूसरे लोगों समझते हैं। तो मीन्स गली में ऐसा कोई नहीं है जो नोना को नहीं पसंद करता हो, नोना को नहीं खिलाता हो या नोना से बोलता ना, मतलब नोना के लिए ना मीन्स हमारी गली में ऐसा है हर कोई जान देने वाला, मतलब हर कोई बहुत प्यार करता है नोना से। तो मीन्स हमारे गली मोहल्ले की जितनी आंटी हैं, ऊपर स्टूडेंट भैया हो गए, सामने बच्चे हो गए, छोटे बड़े सारे आंटी, सबको नोना से इतना लगाव है गाइस। तो अभी सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं और हम लोग करने वाले नोना का सेलिब्रेशन जो कि 2 ईयर सेलिब्रेशन है एंड मैं भी उसी के लिए रेडी हो गई। मैंने क्या पहना है यार, आप लोगों को दिखाऊं किसे? थोड़ा सा और करती हूँ नीचे, फिर मैं आप लोगों को दिखूंगी पूरी। मैंने पहनी है ये शॉर्ट ड्रेस। मैंने ना ये मीन्स काफी टाइम से रखी हुई थी तो मेरे मन था। एंड ये मेरे भाई, इधर आओ, मैं तो दिख भी नहीं रही है, तो लग रही थी छोटी लग रही हो। ऐसे ही अच्छे लगते हैं लड़की छोटी हो तो लड़के तगड़े लगे लड़की के आगे खड़े हुए, मुझे कुछ ऐसे पसंद है। और बाकी चलो जोक्स अबाउट, हाँ 1 मिनट में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइस ये डेकोरेशन मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाई थी, अभी हम सारे रेडी हो गए हैं, सबने आना है। मिठू दीदी, नितेश, जीजू, दीपांशु, पुनीत, रेखा दी, प्रेरणा, निशी और सब लोग आ रहे आ रही हूँ और नोना भी रेडी हो गई है। बाकी उधर तो सारी आंटियां तो आ भी चुकी है एंड खाने पीने में काफी कुछ है तो हमने सोचा था केक कटिंग से पहले हम लोग खाना पीना खा लेंगे बिकॉज 12 के बाद खाए तो काफी लेट हो जाता है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गेस्ट आ रहे हैं धीरे धीरे और नोना भी रेडी हो चुकी है। ये दीदी ये लगा लो इसमें। बाबू ले ली, ओ बाबू, ओ बाबू, अंजू अंजू ये क्या किया तूने? मिठू बाबू ले लिया, पारी कर बाबू को ले। नहीं नहीं, सारा बन चुका है और अब ये हो रहा है गर्म क्योंकि सब लग रहे हैं खाना खाने के लिए। ये देखे खाना खाने के लिए इंतजार में बैठे हैं सब, रायता, मटर पनीर, राजमा। देखे ये सारे नोना के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मम्मी की फ्रेंड्स, पूजा मामी, मीरा बुआ, बेबी आंटी। अच्छा बेबी आंटी पीयूष को ऐसे पकड़ के बैठी हो, ये आंटी बेबी आंटी का लड़का। राधिका दीदी, खुशी, बीन आंटी का, अच्छा बीन आंटी है नहीं यहाँ, अच्छा वो मम्मी के साथ काम करवा रही है वहां पे। खुशी आंटी, अरे सॉरी पिंकी आंटी, खुशी आंटी, तुमने मुंह पे इतनी बड़ी खुशी रख रखी थी मैं खुशी तुम्हारा नाम समझी। अंजू आंटी और रेनू, रेनू दीदी, इनको दीदी बोलते गाइस, ये अभी आंटी लगती नहीं है ना इसलिए। और ये सारे अभी पर नोना के कितना टाइम हो गया बताना, टाइम बताइए भाई। 11 बजे गाइस, अभी थोड़ी देर में केक कटेगा पर तब तक गाइस खाना हो रहा है, सब लोग खाना खाएंगे फिर पहले।
दिखाओ पुनीत इधर, ये वाला केक गाइस बनवाया मम्मी ने, ये बनवाया पुनीत ने, ये बनवाया प्रेरणा ने। और आ जाओ खाना। हाँ राजमा, और हमने इसी से डाल दिया था गाइस। कंचकाल बैठी है, लंगूर सारे कितना तू तो मत हंस, तू लड़कियों के बीच में कितने लंगूर बन बन के तुझे कितनी गंजे के तूने खाई है। सुजल भाई सच बता दे, 501 रुपए इनाम दिखा दो एक लोग। दिखा क्या तू, जब तू छोटा सा था ना पिंडा सा, छोटा तो तू अभी भी है। पर कितना बहुत आया यार, सबके साथ आया। हाँ रोटी सुजल मांग रहा है, सुजल को दे दो। और उधर दिखाती हूँ गाइस मैं आपको, आ जाओ। घूम रही है जनता इधर से उधर। भिंडी एक और रख दूँ भाभी, एक और रख दूँ क्या? नहीं एक एक और मत रख। और ये किसे सिखाया आपने? पापा छे तो? ये गाइस हमारे घर के बालक सब बाल रंगा रंगा के घूम रहे हैं। देखो गाइस तेरी कसर और रह गई थी बाल रंगाने को है रे। अच्छा गाइस सही है, अच्छा सबको बुखार हो रहा है, क्या बात हो गई। खा इसकी प्लेट लगा दो निशी यार, क्यों लगा दू। होंगे नोना के केक गाइज, ये केक बनवाया मम्मी ने, बहुत सुंदर लग रहा है नोना का केक। बस इसके क्लाउड्स थोड़े से नीचे आ गए हैं इनका, अभी कुछ करते हैं गाइज। और ये बनवाया पुनीत ने, हाँ उसको साथ ही तो है बटरफ्लाई के साथ, उधर बेड पे ही वो रखी ना। और ये है गाइज पुनीत ने क्या आया नोना के लिए, डॉल केक। हैप्पी बर्थडे नोना नोना। और अब लगाएंगे यहाँ पे, चलो केक कटिंग करेंगे, सब लोग आ जाओ। अरे वाह, तैयार खड़ी है केक कटिंग के लिए। ये हैप्पी टू यू, गाइस अभी रिंग लाइट सेट हो रही है, केक कटेगा। सब लोग आगे आ जाओ, मेरी तरफ खाली आ जाओ, आगे आओ सब लोग। हाँ इधर चलो ना, अरे चलो सब लोग उस तरफ आगे चलो ना, नितेश जी चलो ना आगे। मुझे भी कैप मिट्टू दीदी, मुझे भी मम्मी के पास बहुत सारी। ये अंशु बाहर फूटेंगी अभी, मत चलाइए, पर हम आएंगे ब्लॉग लेने। ओ 12 बज गए, ओए तुम सब लोग इतना पीछे क्यों खड़े हो, ये वाली साइड खाली है ना, इधर आ जाओ ना। ये हैप्पी टू यू, हाँ भाई तो कह रही हूँ उस तरफ जाओ। Happy birthday to you!
वो सच्चे दरबार की। महाराज की जय। और जो ना बोले निकल चुके हैं अपनी अपनी सवारी लेकर और हम जा कहाँ रहे हैं मैं आपको पुनीत चुप हो जा बेहया बदतमीज दीपांशु देख सबको मत दिखा तूने पी रखी है ठीक है ना तो नाम कर रही है अभी हेल्प ही है पी अच्छा सीट का और भी चेंज हो गया भाई साहब गाइज अब मैं आपको बताती हूँ हम लोग जा रहे हैं सारे जगतपुर और हमारे पीछे तीन गाड़ियाँ और आ रही हैं क्योंकि हम सारे जा रहे हैं अभी वहाँ पे केक कट करवाने नोना का और नोना प्रेरणा के पास है ढोल वाले भैया प्रेरणा की गाड़ी में है मिठू दी नितेश जी जो पीछे है पुनीत मैं और दीपांशु यहाँ से आ रहे हैं एंड आप सोच रहे हो मेरे कपड़े चेंज हो गए बिकॉज गाइज मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो ठंड की वजह से ही हो रहा था बिकॉज और वो ठंड की वजह से हो रहा था बिकॉज अभी मैं ना मीन्स इतनी भी गर्मी नहीं आई है मैं शॉर्ट्स पहन के घूमने लग गई हूँ तो उसकी वजह से ना मेरे पैर काफी दर्द होने लग गया है तो मैंने कहा अब नहीं पहनूंगी यार अब बहुत दर्द हो रहते हैं और कपड़े कपड़े चेंज कर लिए और चलो अब चलते हैं फिर मिलेंगे कहीं सीख तो मैं इधर उधर गिर रही हूँ लड़का सही से गाड़ी नहीं चला सकता एक तो है जीजू के घर और मैं दिखाती हूँ आपको केक देखिए कितना जोड़ा तूने मेरे बच्चे के लिए बच्चा कहाँ है तू नीचे से रखना जीजू कपड़े पड़े फेंकियो मत नीचे से लिया रहने दे मिठू ले आई चलो गाइस लाइटें कम क्यों लग रही है अच्छा। तो शूज नहीं पहनाए थे नहीं निशी देख आंख मार रही है देख देख ऐसे कर देगा इसको क्या हो गया मेरा फोन दूसरा गाड़ी में नोना मेरा केक इसका केक ले रहा है नोना मैं काटूंगी
काफी चलो 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 केक काटेंगे ये हैप्पी टू यू नोना हम घर जा रहे हैं ना हाँ। आज नोना आपका बर्थडे है हैप्पी टू यू यही से नोना बोलो हैप्पी टू यू हैप्पी टू टू और गाइस हम जा रहे हैं अभी घर लिबांशु और भैया अभी दोनों हमारे साथ जा रहे हैं और हाँ सीधा और पुनीत भी पीछे हाँ सीधा ले लेना नोने इधर देखो नोना ने गाइस अपनी फ्रॉक उतरवा ली मुझसे ये वाली गली में और चलो गाइस चलते हैं हम घर पहुंच गए बस घर पहुंच के खाना खाएंगे क्योंकि दीपांशु को मतलब दिल थी इसने खाया नहीं भी मैंने कहा पुनीत और तू मैं साथ में खा लेंगे तो अब चलो चलते हैं फिर मिलेंगे गाइस गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और गाइस मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए खाना खाना के सोच रही तो थी पर मैंने सोचा था इनके साथ खाऊंगी गाइस अब मना कर रहे हैं बड़े बदतमीज हैं एंड गाइस मतलब कोई भी फंक्शन होता है ना तो फंक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद गाइस बचते हैं मैं मम्मी दीपांशु पुनीत तू इधर दिख नहीं रहा इधर हो दीपांशु के पास आ और ये और ना फिर गाइस हम चारों ऐसे बैठ के बातें करते हैं और फिर थोड़ा एंजॉय करते हैं है? चुगलियां करते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं उसके बाद खाना होता है तो खा लेते हैं वरना बाहर से ले आते हैं अपने परेशान है हमारी हेड भी नहीं और हमारा घर बहुत फैल गया है इन मेहंदी वाले हाथों से बर्तन धो रही हूँ गाइस मैं पोछा मार अच्छा झूठी मम्मी साबुन लगा के दिया है उसे मैंने बोला भाई पानी में इतना हाथ डालूंगी तो खराब नहीं होगा फिर पोछा तो पूरा ही मैंने मारा तीन चार बार निचोड़ो ये करो वो करो बट चले गाइस ब्लॉग का करते हैं आपसे मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ और इस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय लव यू टेक केयर